हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जया। आज का लघु निबंध है गाय और कुत्ते पर। मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश में भी डाल रखा है वीडियो, तो आपको वो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये वीडियो क्लास 1-2 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही आप इससे इमला की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को, और रीडिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव करा सकते हैं। इस निबंध को पढ़कर बिना देखे लिखेंगे तो हिंदी की मात्राओं में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये बहुत ही सरल भाषा में ऐसे को बताया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो पुराने हैं उन्हें वो अधिक से अधिक लाइक करिए ताकि और भी बच्चे इससे लाभ उठा सकें। तो आज का लघु निबंध है गाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लघु निबंध। यह एक गाय है। यह एक पालतू जानवर है। इसके चार पैर होते हैं। यह अनेक रंगों की होती है। इसके दो लंबे कान होते हैं। इसकी आंखें बड़ी होती हैं। इसके दो सींग होते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है। यह घास खाती है। यह चारा भी खाती है। यह हमें दूध देती है। इसका दूध उपयोगी होता है। इसका दूध हमें स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ, हमें पता है दूध हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका गोबर उपयोगी होता है। यह सीधा सादा जानवर है। तो अभी हमने जो गाय के बारे में पढ़ा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते के ऊपर। तो जैसा कि सभी ने कुत्ता देखा है, हमारे घरों के आसपास बहुत सारे कुत्ते पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक कुत्ता है। यह एक पालतू जानवर है। यह कई रंगों का होता है। इसकी कई नस्लें होती हैं, यानी तरह तरह की होते हैं इनकी प्रजाति। इसके चार पैर होते हैं। इसके कान लंबे होते हैं। इसकी आंखें चमकीली होती हैं। इसका मुंह लंबा होता है। इसकी पूंछ छोटी होती है। यह रोटी और भात खाता है। यह मांस भी खाता है। यह एक फुर्तीला जानवर है। यह एक विश्वासी जानवर है। यह कभी कभी भौंकता है, यानी जब ये नहीं समझता है, नहीं पहचानता, तब भौंकता है। यह कभी कभी काटता भी है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।